अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ प्रोग्राम उम्मीद के साथ महमूद अली। नाज़रीन, तीसरे आलमी जंग के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बहुत सी अहादीस इस हवाले से मौजूद हैं और यहूदी उलमा और अकाबरीन की पेशेंगोइयाँ भी इस हवाले से मौजूद हैं कि ये जंग होकर रहेगी। जिस कदर मुसलमान इन अहादीस पर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर और क़यामत से कबल इस जंग के होने और उसकी निशानियों पर यकीन रखता है, उतना ही यहूद व नसारा को इसके आने पर यकीन है। लिहाजा उसके लिए इंतजार। आपने इंडिया को खिते का चौकी तैयार बनाने की बातें तो मीडिया पर सुन रखी होंगी, इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। अच्छी तरह याद रखें इस बात को कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस सहूनियत के बुनियादी ममालिक हैं। यहाँ से फ्री मैसन, एलुमिनाटी तंजीम दुनिया के जिस मुल्क को चाहे मजबूत करते हैं और जिसको चाहे कमजोर करते हैं। इंडिया आलमी फ्री मैसन की एक फौजी छावनी बन चुकी है, जिसका शेर पसंद हिंदू हुक्मरान मोदी उनका गुलाम है। मोदी ने वज़ीर आज़म बनने से पहले गुजरात में बतौर वज़ीर आला सैकड़ों मुसलमानों को जिंदा जलाकर इस तंजीम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई और यूं फ्री मैसन्स ने इसे भारत का वज़ीर आज़म बनवा दिया। मोदी पहला भारतीय वज़ीर आज़म है जिसने कई अशरों बाद बतौर वज़ीर आज़म इसराइल का दौरा किया, बल्कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इससे मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नई चालें चलने इंडिया आया और इस दौरे के बाद ही पाकिस्तान में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से तहरीक लॉन्च हुई, जिसमें पाक फौज मुर्दाबाद और इसराइल आदमी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस्लाम के असली दुश्मन एलुमिनाटी सहूनी अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी आलमी जंग में हिंदुस्तान का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि जंग सिर्फ और सिर्फ आलम इस्लाम और यहूदियों के खिलाफ के माबैन होगी। इस्लाम के असली दुश्मन एलुमिनाटी सहूनी अच्छी तरह जानते हैं कि तीसरी आलमी जंग में हिंदुस्तान का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये जंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और यहूदियों के खिलाफ होगी और ये बात ना सिर्फ अहदीस में दर्ज है बल्कि सहूनियों के अपने दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेजात द एलुमिनाटी प्रोटोकॉल्स में भी वाज़ह तौर पर दर्ज है। चौधरी फ्री मैसन को मालूम है कि तीसरी आलमी जंग से पहले मुसलमान हिंद फतेह कर चुके होंगे, लेकिन वो इस जंग से पहले भारत को ज्यादा से ज्यादा हथियार टेक्नोलॉजी देकर मोदी जैसे शर पसंद और इस्लाम के दुश्मन को उकसाकर पाकिस्तान और चीन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान करवाना चाहते हैं, ताकि जब तीसरी आलमी जंग शुरू हो तो सहूनी ज्यादा से ज्यादा ताकतवर हों जबकि मुसलमान और इनके साथी मंगोल यानी चीनी ज्यादा से ज्यादा कमजोर हों। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यह हकीकत है कि सहूनी हम मुसलमानों से ज्यादा कुरान और हदीस को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि इसके हर्फ हर्फ को सच भी मानते हैं। सिर्फ इसका इकरार नहीं करते, क्योंकि इकरार करने से आलमी जंग में इस्लाम क्योंकि इकरार करने से इनके मजहब का कबाड़ा हो जाएगा और जानते हैं कि मंगोल चीनी तीसरी आलमी जंग में इस्लाम के किले यानी पाकिस्तान का साथ देंगे, इसीलिए वो इस मंगोल को भी पाकिस्तान की तरह जंग से पहले ही तबाह नहीं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कमजोर जरूर कर देना चाहते हैं।